यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत है एक भारत श्रेष्ठ भारत SDM PG कॉलेज डोईवाला देहरादून में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें महत्वपूर्ण न्यूज जो कि कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है आमतौर पर कि कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करके एनालिसिस किया जाए। तो इसमें हम लोग 5 न्यूज़पेपर का हिंदी माध्यम से विश्लेषण करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन और एग्ज़ाम की दृष्टि को, कौन से IAS PCS ग्रुप सी आर्मी पुलिस SSC TET BEd वगैरह के लिए। तो इसमें पेपर देखेंगे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, ये 5 पेपर का विश्लेषण किया जाएगा महत्वपूर्ण न्यूज़ का, और उसको विश्लेषण करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन बेहतर क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों का स्वागत है। इस करेंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मनाने की वजह ये रही कि एक साथ सारे विद्यार्थियों को इतने न्यूज़पेपर भी नहीं मिलते हैं, आमतौर पे दिक्कत भी होती है, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है कि किस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, तो ये जानना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है। तो आप सबका स्वागत है, और ऐसे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है, चूँकि सपना है भारत को जागरूक करना, तो तमाम भारत के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से। तो चलिए हम विश्लेषण करते हैं, आज प्रारंभ करते हैं इस न्यूज़ को। आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से। तो हिंदुस्तान में देखिए, पहला जो न्यूज़ है सबसे प्रथम पृष्ठ पे, वो है RBI के ऐलान के बाद होम लोन महंगा हुआ झटका, रेपो रेट एक बार फिर बढ़ा। तो रेपो रेट बढ़ गया है, और हमें यह समझना होगा कि आखिर रेपो रेट है क्या। तो थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं ब्रीफ में कि रेपो रेट बढ़ने से सारे लोन महंगे हो जाएंगे। दरअसल रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI दूसरे बैंकों को कर्ज मुहैया कराती है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जो RBI के पास पैसा रखने पर RBI जो है बैंकों को देती है। तो ये जस्ट उल्टा होता है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट जो है लेती है वो अन्य बैंकों से, केंद्रीय बैंक। तो रेपो रेट बढ़ा है तो समझिए कि लोन महंगा हो जाएगा, और रेपो रेट जो है 5.9% हो गई रेपो रेट दर, 3 साल के उच्च स्तर पर चली गई, और कार लोन की किस्त पर भी इसका असर पड़ेगा, लोन की किस्त पे भी असर पड़ेगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो है खड़गे थरूर के बीच मुकाबला, जो बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ है, और यही बात नवभारत टाइम्स में भी रेपो रेट को लेकर के लिखा हुआ है, यही बात जो है ना आप जनसत्ता में भी है, थरूर के सामने खड़के। और जनसत्ता में एक न्यूज़ ख़ास है, सहायक प्रोफेसर पद के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म करने पर बनी सहमति। जनसत्ता में आया है प्रदूषण के रावण से जंग को दिल्ली तैयार, आज से लागू होगा ग्रैप, लेकिन पहले स्टेज हवा खराब होने पर। तो और ये पर्यावरण से प्रदूषण से बचने के लिए 15 कदम उठाए जाएंगे, वो 15 बिंदु है। पहला, पराली की समस्या का समाधान, डस्ट पॉल्यूशन पर नियंत्रण, स्मॉग गन और रोड स्विमिंग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर सख्ती, इंडस्ट्रीज की निगरानी, पटाखों पर बैन, IIT कानपुर की मदद लेंगे इसके लिए, पर्यावरण मित्र बनेंगे लोग, करीब 9 लाख पेड़ और लगेंगे दिल्ली में, ग्रीन वॉर रूम में निगरानी होगी, ग्रीन दिल्ली ऐप से शिकायत किया जा सकता है अगर कोई कचरा फैलाता है, और हॉट स्पॉट्स पर कड़ी निगरानी होगी, संशोधित क्रैप लागू किया जाएगा। तो ये रहा कुल मिलाकर के। तो
जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हर न्यूज़पेपर में है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, रेपो रेट है। जो रेपो रेट एक बार बढ़ गया है, और दूसरी बात, दैनिक जागरण में हम देखते हैं, दैनिक जागरण के न्यूज़ क्या कह रहे हैं। दैनिक जागरण का भी पहला पृष्ठ है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और थरूर में होगी टक्कर। खड़गे कांग्रेस के भीष्म पितामह, उनका निजी विरोध नहीं। और त्योहारी सीजन में महंगे होंगे कर्ज की मार। आरबीआई ने रेपो रेट में फिर 50 आधार अंक की वृद्धि की, 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची ब्याज दर। भारत के भाग को देश के शहर आकार देंगे, मोदी जी कह रहे हैं। तो ये रहा। और पुतिन का न्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है, पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस का हिस्सा बना लिया है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट से। और वो 4 क्षेत्र कौन है वो आप लिख सकते हैं, लुहानसक, दोनेत्सक, खिरसान और जपोरिजिया, जो रूस ने अपने शामिल कर लिया है। पश्चिमी देशों ने अस्वीकार किया, गुटेरस ने संघा चार्टर का उल्लंघन बताया इसको। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने के लिए मास्को में संधि पर हस्ताक्षर के बाद खुशी जताते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात को लेके काफ़ी खुश हैं। और H-1B वीज़ा लेना, अमेरिका लौटाना होगा आसान, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। राष्ट्रपति के एक आयोग ने अमेरिका में ही वीज़ा पर मोहर लगाने की अनुशंसा। अमेरिका जाने के लिए H-1B वीज़ा पाना अब आसान होगा। इसके अलावा अनिवासियों के लिए अपने देश की यात्रा करने के बाद अमेरिका लौटना भी आसान हो जाएगा। एशियाई और अमेरिकी प्रशांत क्षेत्रों के लोगों पर राष्ट्रपति के एक आयोग ने अमेरिका में ही H-1B वीज़ा पर मुहर लगाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की है। और गर्भपात कराने वाली नाबालिग की पहचान नहीं होगी उजागर, आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। गर्भपात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात के लिए अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 8 से 25% तक की छूट मिलेगी। ये छूट वाहन के दाम के आधार पर तय होगी। और सरकार को सेवानिवृत्ति का लाभ देने का आदेश हुआ है। और SOL के दाखिले अगले सप्ताह शुरू होंगे। BA और BCom पाठ्यक्रम के लिए 33% अंक पाने वाले छात्र भी कर सकेंगे आवेदन। तो ये रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, पुराने शहरों में सुधार, नए शहरों का विकास किया जा रहा है, ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुरूप बनाए जा रहे हैं शहर, आधुनिक शहर विकसित भारत की नींव बनेंगे, मोदी जी का कहना है। और CDS जनरल चौहान ने संभाला कार्यभार, कहा सेना के तीनों अंगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हाई कोर्ट में घुसकर वकीलों ने की तोड़फोड़, अदालत प्रचार पाने की जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये। और केरल में PFI का मुख्यालय सील किया गया, और ये न्यूज़ है। उसके बाद कांग्रेस में उथल पुथल के बाद फोकस में आए खड़गे, पार्टी में बदलाव के लिए मांगूंगा वोट, शशि थरूर। और नामांकन से पहले दिग्विजय पीछे हटे, ये सब है पॉलिटिकल न्यूज़। और खेल के क्षेत्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हरमनप्रीत की अगुवाई में भारतीय टीम आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। भारत ने एक बार को छोड़कर हर दफा जीता है खिताब, 4 साल बाद एशिया कप जीतने की चुनौती। और बुमराह अभी बाहर नहीं हुए हैं, गांगुली का कहना है, मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में जगह।
विश्व विजेता टीम को मिलेंगे 13 करोड़ रुपया की राशि, और चानू बन गई है चैंपियन, भारत की स्टार खिलाड़ी, आप जानते हैं पहले भी इन्होंने काफी ओलंपिक में नाम रोशन किया है, भारतोलक मीराबाई चानू शुक्रवार को 49 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन बनी। कलाई में चोट के बावजूद उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं कुश्ती, निशानेबाजी, नेटबॉल की स्पर्धाओं में भी कई खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, और इसमें तलवारबाजी भवानी की स्वर्णिम हैट्रिक है, और कुश्ती में दिव्या काकरान ने सोना जीता है, और एक रिकॉर्ड और बना है, 6th बार राष्ट्रीय खेलों में तरणताल से सोना निकालने उतरेंगी 39 वर्षीय तैराक। 2 अक्टूबर से राजकोट में शुरू होंगे तैराकी के मुकाबले। दिल्ली की जलपरी रीचा लगाएंगी पदकों का 50। 29 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड, 48 पदक जीत चुकी हैं राष्ट्रीय खेलों में, और 3 बार 2002, 2007, 2011 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। 150 से ज्यादा पदक राष्ट्रीय स्तर पर वो जीत चुकी हैं, और सभी न्यूज में है, न्यूज़पेपर में आपको यूक्रेन पर कब्जे का पुतिन ने जश्न मनाया। पुतिन ने 4 क्षेत्रों को अपने अंदर में कर लिया, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। और काबुल के काज हायर एजुकेशन सेंटर में हुए धमाके में भारी विस्फोटक का इस्तेमाल, कोचिंग में शव देख दिल दहला। तो बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा धमाका हुआ है काबुल में। और अभिनेत्री आशा पारेख दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, और अजय देवगन सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं। एना की गवाही को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जबकि सोरा रई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया। सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि अपर्णा बालमुरली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी। सच्चिदानंद के आर को मलयालम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। तो और आशा पारेख